ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82 सूक्त नंबर 82 का अब हम नीचे आते हैं मंत्र नंबर 1 सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला भगवान प्रकाश रूप तेजोमय रूप वाला उसका तेजोमय शरीर है सद्गुणों की वृष्टि करने वाला पापों का नाश करने वाला पापों को के हरण करने वाला वह राजीव राजा के समान ये राजीव राजा के ये 269 पृष्ठ पर ये 270 पर पढ़ाएंगे आपको के समान दर्शन ये है देखने जोगा दर्शनीय माने साकार और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ उसको प्राप्त होता है मिलता है जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के प्राप्त होता है। अच्छा यहाँ देखना है। उसका उद्देश्य क्या है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पर आ गई हम पहला मंत्र पढ़ दिया दूसरा और पढ़ाते हैं। हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देना आते हो तत्व ज्ञान की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं आप कबीर देव हैं जैसे ये देखिएगा 9:20 में कबीर देव लिखा स्पष्ट ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र 1 यहाँ स्पष्ट लिखा कबीर देव है कबीर देव है कबीर देव जैसे यजुर्वेद ऐसे ही कबीर देव है कवि र ऊपर है देव है कबीर परमेश्वर वह कबीर ये लिखना था वह कबीर परमेश्वर है वह कबीर परमेश्वर है इतना इसका कवि का अर्थ मेधावी लिख दिया कवि का अर्थ कहते कव्य लिख दो काव्यकार मेधावी और सर्वज्ञ लिखने का अर्थ इसका अनर्थ कर रहे हैं ये यहाँ लिखना था वो कबीर देव है कौन सबका रक्षक है विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है बता सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है यानी तत्वज्ञान रूपी संग्राम में सबको हरा देता है। हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 पे हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं आप कबीर साहब हैं शुद्ध स्वरूप हैं हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हे सोम सोमन अमर परमात्मा हे परमेश्वर आप हमको सुख दें। गुणात्माओं कबीर साहब कहा करते नौमन सूत उड़ जिया ऋषि रहे झक मारे सतगुरु ऐसा सुड़ जा दे भाई उड़ जाए ना दूजी बार के ये ऐसा ज्ञान सुड़ जा देगा सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक टीचर उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं वो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं सब ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं बैठकर करते हैं और उस उनके उन्होंने अपने अमृतवाणी सच्चिदानंद गणब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध करवा के चले गए उसको समझने की भी सबके बस की बात नहीं इन वेदों को नहीं समझ सके तो उस वेद ने कैसे समझ लेगा आम आदमी हो तो एक तत्व ज्ञान है तो इस दास को बुद्धि दे दी कबीर भगवान ने परमेश्वर कबीर जी ने और इस दास को एक सच्चे ज्ञान देने वाला गुरु बना दिया सतगुरु। वैसे तो सतगुरु वही हैं पर अपना
अपनी कृपा से इस दास को कहते हैं गुरु मेर करे तो काग ते हंस बना दे। हम तक काग थे और कौवे से हंस उन्होंने ही बनाए हैं सतगुरु ने। अब वो परमात्मा उसका नाम और क्लियर किया है। अब देखना इसी ऋग्वेद का, ऋग्वेद तो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही प्रकाशित है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था, बार बार ये दिखाना अनिवार्य है कि देखो भ्रमित ना कर दिया अपना कि वो अपने घर की बना रहा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पे आ गया ही बाम 96 पे, पहले 86 82 सूक्त पढ़ा था 9वें मंडल का। अभी 16वें श्लोक में कहा है 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में, गुहम माने गुप्त रहस्य में, चारु माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम। ये तो हम पढ़ सकें आराम से, इन्होंने कुछ अपनी हिंदी भी कर रखी है। चारु माने श्रेष्ठ, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य यानी सबसे गुप्त, और नाम माने नाम। इन्होंने तो कुछ भी अड़ंगा डाल दिया, तुम्हारी संज्ञा है, नामकार संज्ञा के मतलब नाम है, जो तुम्हारा नाम है। अब देखना हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, यह लिखना था जो गुप्त, गुहम माने गुप्त, चारु माने श्रेष्ठ ये लिखे रहे हैं, नाम माने नाम लिख लेंगे, ये उन्होंने तो उलझाने की चेष्टा की है, जो तुम्हारी संज्ञा है, जो हे परमात्मा जो आपका रहस्य में गुप्त श्रेष्ठ नाम है आप उसका ज्ञान कराए। है कोई इसमें उन्होंने कह रहे हैं कि यजुर्वेद पढ़ना है, इबता हमने अक्सर आगे इनका यजुर्वेद भी पढ़ लिया, यजुर्वेद को कहा कर दे यजुर्वेद। अब वो हमारे लिए तो उंगलियां पाओगे भी, ये ज्ञान हमारे को परमात्मा ने पहले दे रखा है। हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य यानी आपका विशेष रहस्य वाला यानी गुप्त, जिसको किसी ने ना बेरा, वो श्रेष्ठ नाम माने नाम, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उपासक लोगों से स्तुयमान हैं, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं, विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए, हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर हमको इंद्रियों के नियमन का ज्ञात बनाइए, ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखिए, अब 17वें इसमें 16वें पूछा है आप अपने श्रेष्ठ नाम का हमें ज्ञान कराएं, इतनी सी बात है। 17वें में वो नाम बताया है, क्या लिखा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुभंती वहीने मरुतो गणेन कबीर गिर भी, कबीर गिर भी कावेना और कबीर संत सोमह पवित्रम अत्यति रेभन, इनके द्वारा हम ये लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ ऊपर लगा हुआ है, यूँ यहाँ लगेगा, पढ़ेंगे अलग करेंगे संधि छेद में, तो इन्होंने कर दिया इसका तो कवि कर दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा, हम इसको न्योका न्यू लिख दें वो कबीर वाणी द्वारा, गिर भी माने वाणी द्वारा और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा। अच्छा रेभन माने, ये देखिए रेभन सन गर्दता हुआ, और काविन कविताओं से, कविताओं माने जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान सुनाता है। इन्होंने एक और चतुरता कर दी है, यूँ तक कबीर गिर विकारत ये कर दिया कवि लोग वाणी द्वारा, यह लिखना था कबीर वाणी द्वारा, और इस कबीर का अर्थ नहीं करा, इस कबीर का लिखना था वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। ये देखिएगा आप पूरा देख सकते हैं, पीछे देखना और पीछे देखो अच्छी तरह। अब इसमें आप संस्कृत देख सकते हैं, ये एक कबीर तो इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, और इस कबीर का कितना अर्थ निकल रखा, ये संस्कृत शिशुम जगानम हरियंत मर्जंती सुभंती मरुत है वहीन गणेन कबीर गिरभी, इस कबीर गिरभी आड़ा कर दिया कबीर गिरभी, काव्यना यू काव्यना भी लिख दिया, काव्यना
और सोम भी लिख दिया और यू संत भी लिख दिया, सोम पवित्रम भी लिख दिया, अतेति भी लिख दिया, रेभन भी लिख दिया, यू कवि छोड़ गए कबीर, क्योंकि ये दोबारा लिखते ही सर क्लियर हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने चोर चुराई तो बड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर व सच्चाई छ नीला। अब इसका के अर्थ बनाइए, दास बताओगा। शिशुम जगानम, हे परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके अपने जो लीला आप करते हो, तो शिशु जगानम यानी आप जानबूझकर अपनी सूझबूझ से शिशु रूप में प्रकट होते हो, हरियंत माने यानी मानव के रूप में, मानव के बच्चे के रूप में, और आप सुभन मर्जंती सुभंती वहीन मरुते गणेन और कबीर गिर भी कावेना कबीर, अपनी महिमा की वाणी को आप अपनी कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिर भी कबीर, ये इन्होंने इस कबीर गिर भी का लिख दिया वाणी द्वारा, हम लिखते कबीर वाणी द्वारा, और कावेन कावेना कावेन नहीं हाँ कावेन कावेना कावेना माने कविताव से, शब्दालियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से गर्जते हुए ऊंची आवाज में बोलते हो, आवाज लगा लगा कर अपनी महिमा की वाणी सुनाते हो। अब इसका और जिससे मरुता माने विद्वान लोग, गणेन माने समूह, ये होता है गणेन समूह, और वहीन माने उस गतिशील परमात्मा का गुणों के, गण माने होते हैं समूह, गणे आदमी इकट्ठे हो जाए, मरुत माने साधक। इसका अर्थ ये है कि वो परमात्मा जब कबीर, यु कबीर देव संत रूप में, वो अमर परमात्मा संत रूप, कबीर साहब कबीर नाम उसका, संत या ऋषि रूप में जब प्रकट होता है, शिशु रूप धारण करके जब वो बड़ा होता है, तो अपनी महिमा की वाणी कबीर वाणी के द्वारा, कबीर गिर भी माने वाणी द्वारा, और कावेना माने कविताओं से, कविताओं के माध्यम से, और ऊंचे स्वर में गर्ज गर्ज कर बोलता है। अब परमात्मा क्या कहा करते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग जुगता डेल रे। अब परमात्मा खुद बता रहे थे कबीर परमेश्वर के, चारों युग में मेरे संत पुकारे, जिनको मैं आकर मिला, मेरे से परिचित ज्ञान को फिर उन्होंने ढोल के डंके पर जगह जगह आवाज लगा लगा कर जनता को बताने की चेष्टा की, और कूक कहा हम हेल रे, हमने भी आवाज लगा लगा के ऊंचे सुर में रुक के मार मार कर जगह जगह खड़े हो करके, होय होय होय, वेद तो कहते हैं वो परमात्मा ऐसी लीला करता है कि अपने सतलोक से चलकर आता है। एक कवि वो एक गुरु रूप में उपदेशक बनकर, वो कबीर देव अपनी कबीर वाणी के माध्यम से और ऊंची आवाज में खड़ा होकर, कहीं भी खड़े हो जाते थे परमात्मा, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाते हैं, पहले डुग डुगी बजाते हैं, परमात्मा ऐसे कहीं खड़े हो जाते थे, एक इकतारा रखते थे कभी कभी, इकतारा उसमें एक तार होता था और उसको ऐसे बड़ी गजब की टून लगा देते थे, आसपास के राह चलते वहाँ खड़े हो जाते थे, चौराहे पर खड़े हो गए, कहीं पर भी रास्ते में खड़े हो गए, गाँव नगर के अंदर तो 150 व्यक्ति आकर खड़े हो जाते थे, परमात्मा फिर अमरवाणी बोला करते थे, मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिलन बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गए वो बहुर ना लगता डार। तो वहाँ परमात्मा अप गान लग जाते, आसपास आदमी बैठ जाते आकर के चुप 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 बैठ कर, और सैकड़ों की संख्या हो जाती, और दो दो तीन तीन घंटे परमात्मा अमृत वर्षा करते अपनी प्यारी आत्माओं पर, और उनको न्यों भी नहीं पता चलता कितनी देर होगी, और फिर प्रभावित होते हैं, भाई कब बड़ा विद्वान है, बड़ी अच्छी वाणी, कोई तो कहता बड़ी अच्छी सुरीली आवाज़ है, कोई कहो हो कमाल कर दिया, सारी सच्चाई बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा प्रारंभ में केवल यही बताते थे, तुम मनुष्य हो, मनुष्य होकर भक्ति नहीं करते तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, पशु और तुम्हारे अंदर क्या अंतर है, अन्य प्राणियों में मनुष्य में क्या अंतर है, तो इसे आम आदमी प्रभावित होता था। और वही वेद कह रहे हैं कि वो ऊंची स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है,
वो होता है परमात्मा, उसको कवि कर्ण लग जाते हैं कवि, क्योंकि कवि का अर्थ काव्यकार भी होता है, और वो परमात्मा का असली नाम है कबीर देव, उसको कवि समझ लो, उसका नाम कवि है, हम उसको कबीर कहने लगे, वेद उसको कबीर देव कहते हैं, हम कबीर साहब कहने लगे। तो वो कवि है कि वो अपनी अपने उच्चारण को, अपने ज्ञान को कविताओं के माध्यम से बोलता है। और फिर अब आगे दिखाते हैं आपको कि जब वो परमात्मा आता है, वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक होता है, लेकिन वो होता है परमात्मा, और तो कवि तक सीमित है, लेकिन ये परमात्मा होता है, क्योंकि कुछ दोहे श्लोक मिलते जुलते होते हैं, और परमात्मा की इतना मोटा है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, उसको जब सारे को पढ़ते हैं तो चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, सबको समावेश है उसके अंदर। और अन्य संतों की सिर्फ एक, जैसे तुलसीदास भी कवि थे, उन्होंने केवल रामायण से अतिरिक्त कुछ नहीं, श्री राम के ही महिमा गा रखी है उसमें, और उसके अंदर सबके इतिहास खोल रखे कि इसमें कबीर वाणी में वो परमेश्वर कवि होता, वो प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है, और उस ऋषि रूप में या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषि कृत यानी उस ऋषि के द्वारा की गई बोली गई रचनाओं को उसके उस परमेश्वर के बहुत ज़्यादा अनुयायी होता हो जाते हैं लाखों की संख्या में, और उनके लिए वो अमृतवाणी परमात्मा की बोली हुई सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अमृत के तुल्य होती है, इतनी प्यारी लगती है उसके उनके शरणागत अनुयायियों को। ये वेद बता रहा है, देखिएगा ये वही है ऋग्वेद, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी ऋग्वेद को, ये वही है। अब हम यहां आ गए हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 16 में, तो ये कहा कि अपना श्रेष्ठ नाम, अब आपका जो गुप्त है वो श्रेष्ठ नाम बताइए, और इसमें स्पष्ट लिख दिया कि वो 17 में शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिर भी काव्यना, वो कबीर संत सोम, वो कबीर नाम है उस परमात्मा का, और वो अमर परमात्मा ऋषि या संत रूप में प्रकट होकर के अपनी वाणी को काव्यना पवित्र वाणी को अति रेभन अतेति यानी बहुत रेभन माने गर्जता हुआ ऊंची आवाज में बोलता है, इन अनुवाद में गड़बड़ करनी थी। अब देखो 18 में कमाल है, वो परमात्मा कहते हैं ऋषि मना ये ऋषि कृत, ये है ऋषि, ये तय है, ये मिट गया यहाँ से, ये ऋषि कृत सवरसा सहसर अनिथ पदवी कवि नाम, पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष है सिसंत सोम है विराजमान राजती सतुप, वो तीसरे धाम में विराजमान है, उसको स्थापित करके बहुत बड़ा जो तीसरा धाम है उसमें रहता है, और वो कवि नाम पदवी, अब ऋषि या संत रूप में प्रगट, उस ऋषि कहो चाहे संत कहो, उस ऋषिकृत ऋषि के रूप में प्रगट परमात्मा के द्वारा जो हजारों वाणी संसरणित मन हजारों वाणी जो बोली जाती हैं, जिस कारण से वो पदवी कवि नाम यानी प्रसिद्ध कवियों में भी एक पदवी भी कवि की पदवी भी प्राप्त करता है, और ऋषि मना जो ऋषि स्वभाव के संत भगत उसके अनुवाद उसके शिष्य होते हैं उनके लिए सवरसा वो एक बहुत आनंददायक होती है। यहाँ देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का हमने 16 पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया, अब 18 का यहाँ अपने संस्कृत देख ली, और यहाँ देखेंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का मंत्र अब 18 पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला यही भगवान है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में लिखा है, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम देवयान और पितृयान इन
दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है। अब इसका अर्थ इतना चाहिए था, जो महान परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, यानी यहाँ नीचे हमारे को वो तृप्त करने आता है, हमारा पालन पोषण दुखों को निवारण करने की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, तीसरे धाम, तृतीयम धाम का अर्थ इतना ही सोचो, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम, उसमें विराजमान है ये न ज्ञान योगी, जो ज्ञान योगी उसको है, उसको प्रकाश करने वाला है। ये कोई अड़ंगा कर दिया ना, ज्ञान योगी डाल दिया। यहाँ इनकी याद आ गई, दानंद तो निराकार बताओ था, और यदि हम लिख देंगे सिद्धार्थ कर दिया तो यो साकार सिद्ध हो जाएगा, यहाँ ज्ञान योगी डाल दिया, ये यहाँ भूल गए। ज्ञान योगी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में भूल गए, ये देख 86 के 9 के 86 का 27 में। अब जो परमात्मा द्यूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यहाँ इनके कोई ना जानवरी परमात्मा ने कटवाए रोग ना तो आड़े बड़ंगा डा देते। अब यहाँ देखो, अब फिर हम छणुए बातें वापस 9 के छणुए का, और ये हम 18वां मंत्र पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा, वो अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, यह लिखना था तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया, जो ज्ञान योगी है उसको प्रकाशित करने वाला, अज्ञान योगी है कि तो मूल पाठ में इसमें कहीं नहीं है। अब यह ऋषि मना कार्य के कर दिया, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा ऋषिकृत, ये ऋषिकृत यह लिखना था, सब ज्ञानों का प्रदाता नहीं, जैसे यूँ लिख रखा है इन्होंने मह ऋषि कृत। यहाँ किसका अर्थ क्या बनता है पूछिए इनसे, मह ऋषि दानंद कृत, यानी इसके द्वारा किया हुआ, बोला लिखा हुआ, उच्चारण किया हुआ, यानी कृत का अर्थ हो जैसे भाई ये उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये दानंद कृत इसके द्वारा किया गया अनुवाद है। तो यहाँ लिखना था उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा कृत, 9 के 96 का हम 18वां पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखना था ऋषिकृत, ये मूल पाठ यहाँ पर है इसका, ये यहाँ पर है मूल पाठ, ऋषि मना ये ऋषिकृत, ये तय है, ये मिटा हुआ थोड़ा सा, ये ऋषिकृत सवरसा सहसर अणित है, सहसर अणित माने हजारों वाणियाँ बोली, अणित माने वाणियाँ बोलता है वो, ऋषि मना ऋषि स्वभाव के उसके अनुयायी भक्तों के लिए वो स्वर्ग जैसी स्वर स्वादिष्ट यानी अच्छी होती है, आनंददायक होती है। हम फिर 9 के 96 का 18वां हम फिर पढ़ते हैं, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है वो परमात्मा सत्वमान है ऋषि मना सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला, ये लिख रहा था सर्व मना का अर्थ है, जो ऋषि मना का अर्थ लिखना था, जो ऋषि स्वभाव वाले भक्त उसके अनुयायी होते हैं, साधु संतान जैसे हो जाते हैं, वह परमात्मा जो ऋषि कृत सब ज्ञानों का प्रदाता नहीं, जो उस ऋषि रूप में प्रगट ऋषि या संत, जैसे पहले 17वें श्लोक में लिखा है मंत्र में कि वो संत रूप में अपने प्रगट होकर वाणी बोलता है, तो उस संत कहो चाहे ऋषि कहो, उस ऋषि कृत उस उनके द्वारा बोली गई वो अमृत वाणी कबीर वाणी में सवरसा माने बहुत ही स्वादिष्ट आनंददायक होती है। इन तड़ंगा कर खड़कती बठा बठा दिया सारे ज्ञान का। अब पुण्यात्माओं, ये आपके समक्ष ये कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है कि परमात्मा का नाम क्या है, उसका वो उसके गुण और लीलाएं क्या हैं, ये वेद बता रहे हैं पहले, तो अब आपको वेद दिखा रहे हैं पहले, और वो साकार है मनुष्य सदृश है राजा के समान देखने वाला, और वो अपने रूप को हल्का करके आगे लिख रखा 19 में, इसमें 20वें मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 18 में तो ये लिख रखा है, 16 में तो पूछा आपका नाम क्या है, 17वें में नाम बता दिया वो कबीर है, कबीरवाणी द्वारा वो अपना ज्ञान बोलता है, जब बालक रूप धारण करके वो परमात्मा प्रकट होता है बड़ा होता है तो फिर अपनी महिमा की वाणी अपने कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा अपने महिमा का ज्ञान कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से, और जिस कारण से वो कवि नाम पदवी
वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है सो अमर परमात्मा होता है, और वो तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है। और वो यहाँ कैसे आता है कि जैसे एक व्यक्ति अपना दूसरा कपड़ा पहन कर नीचे आ जाता है, कहीं जाता है, ऐसे अपने ओरिजिनल शरीर के ऊपर ओवर कोट पहन कर, यानी हल्के तेज पुंज का शरीर बना के, उस ओरिजिनल जैसे बल्ब है एक 100 वाट का या ट्यूब है 100 वाट की 200 वाट की, और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दिया अच्छा गहरा सा, तो उसका हल्का सफ़ेद, उसका हल्का उससे बहुत कम प्रकाश है तो जो कि जो अंदर, लेकिन ऊपर वो इतनी आँखों को चुभ नहीं रही, इतना कम प्रकाश हो गया उसका एकदम, तो ऐसे वो परमात्मा आता। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16, 17, 18 आपने पढ़ लिया, इसमें लिखा है वो कवि नाम पदवी, वो इस कारण से कि अपनी महिमा की वाणी कविताओं से बोलता है, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की में भी से एक उसकी पदवी होती है कि वो कवि था, कबीर कवि, लेकिन वो होता है परमात्मा, वो कबीर देव होता, उसका नाम भी कबीर देव होता, उसका काम भी कवि होता है, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता। अब इसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा चौथे धाम में भी रहता है, वेदों का रहस्य धीरे धीरे आपके समक्ष लाएंगे एक अलग, क्योंकि जब आपके ये विश्वास हो जाएगा कि ये दास जो बोल रहा है सच्ची है, फिर दास इस इनका अनुवाद करके देगा आपको, और आप पढ़ना गद गद हो जाएगा, पूरा विश्व इन सदग्रंथों को, वेदों को आज सब सिरोधार्य मानते हैं, कोई भी व्यक्ति विश्व में नहीं है जो ये कह दे वेदों में गलत लिखा है, किन को छोड़ कर, इन राधा स्वामी वाला ने छोड़ कर, ये तो कहते हम नहीं मानते वेद और कतेब और गीता को, कहते हुए भी तो किसी ने देखे हमारे गुरुजी ने जो बोली है वाणी है फाइनल है हमारे लिए, और उनके गुरुआ ज्ञान दिखा दो तो हंसी आवे हैं, उन्हें उन्हें सतनाम का नहीं बेरा, उस सांग के है दिखा दे उनके सारी वाणी, अभी टाइम नहीं इतना, नहीं तो गिरला पाले सुतारण का टाइम था उनका, फिर बताएंगे कभी। अब कहने का भाव ये है कि वो तो बट्ठा बठा रहे सबका कि वेदों को हम नहीं मानते, हमारे तो जो संत बोल देता वही फाइनल है, और उनके संतों ने बोल रखा सतनाम, कहीं तो सतनाम को कह रहे हैं वो, ने 2 मिनट दिखाना पड़ेगा ना तो ये बात अधूरी रह जाएगी। अब आपको दिखाते हैं जो ये कहते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कि हम वेदों को नहीं मानते, हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान दिया है ये फाइनल है, और वेद भी तो किसी ने बोले ही हैं, वो भी तो इंसान था वेद व्यास, उन्होंने बिना बिना वेद बोले किसने, वेद व्यास जी तो राइटर थे जैसे, और वेद बोले किस तरह वो आपको बता रखे हमने। अब इन कहते हैं इन हमारे गुरुओं का फाइनल ज्ञान है, सबसे सुप्रीम ज्ञान है। अब देखो इनका ज्ञान दिखाते हैं, इनके गुरुओं का, इनके प्रवर्तक का, राधा स्वामी पंथ का जो प्रवर्तक माना जाता है शिवदयाल जी, उसके हाथ से लिखा हुआ दिखाते हैं आपको, ये देखो सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास, इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब, 16वां संस्करण 2003 में छपया है, मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से, ये सारा कुछ इसमें लिखा है देख लियो। अभी इनकी भूमिका में इन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अधूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है, शिवदयाल जी के वचनों का जो राधा स्वामी का फाउंडर माना जाता है, ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया सन 1902 में। बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया था 1902 से पढ़ते आ रहे इस अड़ंगे को, यानी 109 साल हो गए,
109 वर्ष हो गए इसने पढ़ते नरिंदो ने विराज में लिख क्या रखा है देखिए अब दिखाता हूँ आपको। गुरुमुखी लिपि में पहली बार छपा था प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। अब देखो स्वामी जी महाराज का शुभ नाम जो इस जिसके वचन है ये राधा स्वामी जी का जो राधा स्वामी पंथ का मुखिया स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था। माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसीदास के चेले थे। इसने घटरामायण लिख रखे। अब हम अपने सिर उस पर आते हैं आगे इसके के वचन है वो दिखाते हैं। शिवदयाल जी के ज्ञान का भंडार दिखाते हैं आपको। अब राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का ये शिवदयाल जी के वचनों का यहाँ जाते हैं दफा एक में। सिर्फ काम इतना है ये 13वें पृष्ठ पे सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने अर्थात और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी यानी सतनाम को यहाँ मुकाम बताया है। मुकाम माने स्थान स्थान सतनाम और राधा स्वामी सतनाम बता दिए 13 पृष्ठ पे ये आगे चलते हैं पहुँचावे राधा अपनी सूरत को सतनाम स्थान पर या राधा स्वामी स्थान पर पहुँचावे। आगे देखो अब जितने आचार्य हैं कोई कितना गया कोई कितना गया यहाँ देखो सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पे मंजिल देख ही नहीं गया कल देखो। अब देखो इन्होंने खुद ही लिखा है ये यहाँ पर मंजिल मंजिल माने सिर्फ संत मंजिल पांचवी पे यानी सतनाम पर या पांचवी मंजिल मंजिल माने स्थान पांचवी स्थान पांचवें स्थान सतनाम पर और कोई बिरला संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुंचा। यहाँ सतनाम को कह रहे हैं ना फिर मंजिल दो बार हो लिया। अब देखो यहाँ 15 पे और वचन नंबर 4 गीता के से श्लोक है इनके ये ये चौथा श्लोक है इनका देखिए वचन श्री शिवदयाल जी के वाह जी वाह भाग एक है यो राधा स्वामी वार्तिक भाग एक और प्रश्न नंबर 15 पे तोड़ पाट दिया। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है स्थान राधा स्वामी पद और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है राधा स्वामी और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी इस राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है देखियो रैन की अकल है भगवान। अब सतनाम को यहाँ स्थान बता रहे हैं ये दो बार देखो सतनाम मंजिल मंजिल सतनाम पे और ये 20 पृष्ठ पे यानी मुकाम सतनाम पे और यहाँ कह रहे हैं ये देखिए 15वें पृष्ठ पे। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है मुकाम है यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है राधा स्वामी सबसे बड़े भगवान का नाम है इनके का और इनके स्थान का भी ये नाम है। अब इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है सतनाम स्थान है और स्थान का स्थान है। अब मुकाम माने भी स्थान और इनकी दृष्टिकोण से सतनाम माने भी स्थान मुकाम मुकाम का मुकाम समझो सतनाम का स्थान है यते इनकी कुल धनी के वचन है। आगे देखियो ये भी सतनाम को डिफाइन किया गया इन्होंने कि जिसको संतों ने इस सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड सारशब्द सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। इस सतनाम को सतलोक भी सतनाम को
सचखंड भी सतनाम को, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम को। वाह रे राधा स्वामी, बता उवा बाई है या कुछ इसका है कोई सिर पैर? अब कोई कहे कि सड़क कार, किसी ने कार ना देखी और कार को डिफाइन करे सड़क पेट्रोल की तो पढ़ सुन लिए हों, कोई उससे पूछे कार किसे कहते हैं, पेट्रोल किसे कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, ड्राइवर कौन होता है, कैसा होता है और शहर किसे कहते हैं, वो उत्तर ऐसा दे रहा हो कि पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं और शहर भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं। ये इनके कुल धनी का वचन है, सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ रहे हैं, इन सर पैर का नहीं पता। अब दिखाते हैं संत मत प्रकाश भाग तीन, भाग तीन, और इसके राइटर हैं श्री सावन सिंह जी महाराज, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग तीन, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये कहाँ से प्रकाशित है ये देखिएगा, प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और ये पंजाब में, पंजाब। ये मुद्रक है गोपसंस पेपर लिमिटेड, ये मुद्रक है इसका। अब इसके देखिएगा, अब दिखाते हैं आपके इसके 102 पृष्ठ पे, ये है संत मत प्रकाश भाग तीन 102 पृष्ठ पे। कमाल की बात, आप देखना गदगद हो जाओगे। यहाँ लिखा कि सत पुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। देखिए भी सचखंड या सतनाम, सचखंड माने सतलोक या सतनाम, सतनाम कहो तो सचखंड कहो, वो चौथा लोक है, सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है वो सतलोक, वो सतनाम तेरे अंदर है। अगर यह सतगुर से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता, वो आपके अंदर है सचखंड। अच्छा, ये 107, ये तो 102 पृष्ठ पर पढ़े आपने, अब 106-107 पर पढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो। अब ये सावन सिंह जी कहते हैं कि कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू? सत्संगी कहता है क्या राम बहुत सारे हैं? तो महाराज जी, ये सावन सिंह जी उत्तर दे रहे हैं, राम चार हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ से है? अब 107 पृष्ठ पे, अब इनका चेला कहता है स्वामी जी कृपा उन चारों रामों को खोल कर बताइए। अब स्वामी जी लागे डिफाइन करण, देखिए एक राम दशरथ गढ़डोला है, ये कबीर साहब की वाणी है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से नारा। अच्छा, अब इसको अनुवाद करने लग गया, यो इनका मैर महात्मा सावन सिंह। पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है और जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पाताल और ना पालता और नाश करता है, और चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है तत्वदर्शी। अब चौथा राम सतनाम ही राम हो गया इनका, यो असली राम है। और वहाँ नो कहते सतनाम या सचखंड यो चौथा लोक से, ये देखो 102 पे के बांडे थे, ये 102 पे क्या कह रहा है, ये सतनाम सचखंड या सतनाम यो चौथा लोक है और वहाँ कहो चौथा राम है, यो असली राम है इनका सतनाम। अब इन ने सारी उम्र खो दी,
है। और इन कहो सतनाम समझो नहीं आयो, खान का है कि पीण का है कि जपण का है, यो कोई भगवान है या कोई, यो सतनाम दो अक्षर का नाम है, एक इसमें ओम मंत्र है और एक वो तत्। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। ओम और तत् मिलकर यू सतनाम बनता है, सच्चा मंत्र। और नानक साहेब जी कहते हैं वही गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। अब हम फिर आते हैं अपने प्रश्न उसी पर कि वेदों को इस संसार में आज तक यूं कहने वाला आदमी नहीं मिला था कि ये गलत से। अब ये कहते हैं जिनका यू ज्ञान है सतनाम का निवेरा न सर का न पैर का, और ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों से भी ऊंचा है, इसका अंत तक होना कितना ऊंचा है। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पे, ये ऋग्वेद है और हम इसको फिर से पढ़ते हैं। वो उनका वेद तो दर दिया राधा स्वामी वालों का हमने रख दिया है। अब यो ओरिजिनल वेद इसमें भाषा तो सही है मूल, लेकिन अनुवाद करता उनको गड़बड़ी करी है, वो हम ये पकड़ लेंगे इनको। 9 के 96 का हमने 18 पढ़ लिया, अब हम 19 में और देखते हैं थोड़ा कि प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है और समुद्र जिससे सब भूतों यानी प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता हुआ है, तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। अब ये तुरियम धाम, इसमें धाम माने परमात्मा, इनकी अकल देखो। अब तुरियम माने चौथा, तुरियम माने चौथा ठीक है, धाम माने धाम है वो चौथे धाम पर यानी उसमें अकेय लोक में भी यही परमात्मा रहता है। इन्होंने कहा महापुरुष उक्त तुरियम परमात्मा का, तुरियम माने चौथे परमात्मा का वर्णन करता है। अच्छा अब हम अपने मतलब की बात है 20 में देखो कमाल कर दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का 16, 17, 18, 19 पढ़ दिया और अब हम 20 पढ़ रहे हैं। 20 में तोड़ पाड़ दिया कि वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को प्राप्त होता है। यानी जैसे एक राजा बहुत बड़ी सेना का मुखिया होता है, ऐसे ही एक सेनापति, ऐसे ही वो परमात्मा उसके बहुत गुण शेष हो जाते हैं और उनमें वो एज ए सेनापति यानी उनका डायरेक्शन देने वाला जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे सैनिक अपने बोस की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे ही भक्त अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। वह परमात्मा जब यहाँ पर आकर प्रकट होता है इस लोक में, जिस प्रकार एक संघ को यानी बहुत बड़े समुदाय को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोष को यानी इस लोक में प्राप्त होता है। होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ ओह कनी कर देते चम विश्राम ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है, यहाँ आता है। और मरिए मरिए माने मनुष्य, जैसे मनुष्य जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता हुआ जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ प्राप्त होता। अब देखो इसमें सीधा लिख दिया कि परमात्मा जब वहां से चलकर आता है, गति करके आता है, तो जैसे एक आदमी सुंदर कपड़े पहन लिया करे ऐसे धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता है, होता हुआ यहाँ आता है, सीधी सी बात है। और आगे इसमें देखो 21 में मैं कितना कमाल कर दिया, हे परमात्मा आप ऐसी लीला करते हो, हे प्रकाश स्वरूप महापुरुषों से उपासना उपास्यमान आप हमको पवित्र करें और वेद वाणियों के द्वारा
कनिकर्दन माने होता अपने मुख से बोली हुई वाणियों के द्वारा, शब्दमान होते हुए आप श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्राप्त हों, यानी फिर आओ एक बार, आप ऐसा करते हो लीला और फिर आओ। इसमें बहुत से रहस्य हैं। वैसे तो अपनात्मा थोड़ा सा कंसेप्ट और क्लियर करना है बस, फिर सत्संग आज का इतना ही काफ़ी है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8-9 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा सुंदर शरीर धारण करके आता है, वो तीन प्रकार से लीला करता है अपने प्राणियों के उद्धार के लिए। एक रूप में तो ऊपर रहते हैं, तेजो में शरीर होता हुआ तो उनका एक रोम कूप में करोड़ सूर्य अमराध्य करोड़ चंद्रमा, तो भी उसकी एक रोम की शोभा परमात्मा के प्रकाश की ज़्यादा है। और दूसरी लीला करता प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, और उस समय धीरे धीरे आम जनसाधारण की तरह बड़ा होता हुआ लीला करता है, एक और एक जनसाधारण की आयु को पूरा करके सहसरी रहता सहसरी चला जाता है। और तीसरी लीला करता वो संत या ऋषि रूप में कहीं पर भी प्रकट हो जाता है, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को खेतों में जंगल में मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में मिले, बेई नदी पर मिले, आदरणीय अमलुकदास जी को वहाँ उनके गांव में मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को ऐसे ही गांव के अंदर बाहर रास्ते में मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को ऐसे ही मिले संत रूप में जिंदा के महात्मा के रूप में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, तो ऐसे तो वो मिलते हैं, वो तीसरे प्रकार की लीला होती है उनके। तो ऐसे ही वर्णन किया ऋग्वेद मंडल नंबर 9। और जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है, कुंवारी गायों दूध देती हैं, कुंवारी गाय का दूध परमात्मा पीते हैं। ये लीला उस परमात्मा की ऐसी लीला किया करता है। 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर की उसकी महिमा की वाणी में धर्मदास जी साहब ने लिखी थी कबीर सागर में, वो आज तक विद्यमान है। और गरीबदास साहब जी को परमात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि दे करके, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी सारी, ऐसे गरीबदास साहब जी ने कबीर परमात्मा की महिमा लिखी है। तो उसमें लिखा कि कुंवारी गाय का दूध पिया, अनव्याहर को दूहत है दूध दिया तत्काल, पी व बालक ब्रह्म गति तां शिव भय दयाल। वो ऐसी लीला करता, तो ऐसी लीला आज तक बता दो किसी भगवान की होता या इनके कुल धनी जो जिसको राधा स्वामी का बताओ सर्वशक्तिमान किसी की भी हो, या राम की, कृष्ण की, विष्णु की, ब्रह्मा की, शिव की, या कोई और हजरत मोहम्मद की, यानी किसी की तो दिखा दो ऐसी लीला हो, या यीशु जी की, हजरत ईसा यीशु मसीह की दिखा दो। केवल कबीर परमेश्वर को छोड़कर ये लीला जो वेदों में सदग्रंथों प्रमाणित है और आँखों देखा संतों ने बताई, तो भगवान पहचान में आ जाएगा। अब देखिएगा ये वही ऋग्वेद है, आर्य प्रतिनिधि सभा दानंद बलराम लीला मैदान नई दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8-9 को गहराई से पढ़ेंगे। वैसे तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इनकी अज्ञानता को भी साथ में हमने घसीटना है। अब ये 9वां मंडल है, इसका प्रथम सूक्त है और प्रथम मंत्र में लिखा है हे परमात्मन सोम स्वभाव परमात्मा, ये परमात्मा के विषय में जानकारी है, हमने ये सिद्ध करना है। आगे देखो दिखाते हैं आपको। अब मंत्र नंबर 2 में हे परमात्मन आप, ठीक है। अब तीसरे में हे परमात्मन, अब चौथे में हे परमात्मन, पांचवे में हे परमात्मन, अब देखो छठे में हे परमात्मन, अब सातवें तक गड़बड़ करना शुरू कर गई है। इनका समझ में आ गई जाड़ा भगवान लिख दिया तो आगे तो साकार बता रखे भगवान परमात्मा, तो यहाँ लिख दिया उस पुरुष को चाहे परमात्मा कहो, उस परमात्मा को ज्ञान यज्ञ में बलि प्रकार। आगे देखो फिर आठवें में, अब हम आठवें में पढ़ेंगे उस परमात्मा को,
अब ऊपर छाया में परमात्मा लिख दी, यहाँ लिखने के कलम घिस गई उनकी। वो जानत मतलब था किसे समझ में ना जा भगवान सह शरीर है, क्योंकि दयानंद के अज्ञान को ऊपर रखना चाहते थे वो। तम उस परमेश्वर को, उस पुरुष को, उस परमेश्वर को ओगर गतियाँ प्रेरणा दे करती हैं। जैसे ही भा आकार माचगी तो परमात्मा ने इस दास को भेज दिया। जब कलियुग के प्रारंभ आए थे उस समय भी बहुत बुरा हाल था, तो अपनी लीला करके चले गए ताकि अब पहचान सकें। उस परमात्मा को ओगर गतियाँ प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को, भासमान यानी बहुत सुंदर शरीर को वह पुरुष यानी वो परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखना। और जिसमें तीन प्रकार से, जिसमें तीन प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। तीन प्रकार की लीला करता हो परमात्मा। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 अब मंत्र नंबर 9 पढ़ेंगे। 1 से लेकर 8 तक आपने पढ़ लिया, 8 में पूरा पढ़ लिया। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इसको यहाँ लिखना था, उस परमेश्वर को जो शिशु, जो शिशु यानी शिशु रूप धार कर आता है, उस कुमार अवस्था में जब वो शिशु रूप धारण करके बालक रूप धारण कर प्रकट होता है, सब प्रकार से अभी अधन्या, अधन्या धेनो माने गौवे, अधन्या माने बिना दनाई, अभी माने कति अनटच, सब प्रकार से बिना दनाई यानी कुंवारी, अभी अधन्या का अर्थ है कुंवारी, गौवों तृप्त करती हैं। उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके जो प्रकट होता है, उस कुंवारी गायों से अभी अधन्या गौवों से उनके परवरिश की लीला होती है, उसको तृप्त करती हैं। अपनात्माओं वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बातें पुराण 18 जड़ को अंधे पत्ते खवावे ये भूल गए सृजनहारा। ये जैसे मूर्तियां बना के उनको भोग लगावे, कहते पढ़े वेद और भेद न जाने और बातें पुराण 18 और फिर भी जड़ पूजा करें, अनुपासना करते हैं, उसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चम इनका फेरा मोतिया वंदरे, नोमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। बोलो सतगुरु देव।